हजारीबाग के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र के रोमी गांव से एटीएम मशीन चोरी की घटना प्रकाश में आई है। बताया जाता है कि रोमी गांव में संचालित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काटकर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में लगभग 20 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। चोरों ने रात घटना को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारी और पद्मा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस पूरे घटना को लेकर हजारीबाग पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन में जुड़ी हुई है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि रात के समय में बैंक शाखा का निजी गार्ड न होना लापरवाही को भी दर्शाता है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है जो कि थोड़ा सा सुनसान एरिया में है। सूचना है उसको काटा गया है, काट के उसको एटीएम को लेके लास्ट नाइट। सर कितने रकम हो सकती थी क्या पीछे? रिफिलिंग बैंक वालों से बात किया गया तो वो लोग फ्राइडे को रिफिलिंग किया है, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास। अब कितना उसमें से निकासी हुई है और कितना उसमें बचा हुआ था इसका डाटा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। सर जो एटीएम है ये तो बैंक की संपत्ति, उन्हें सुरक्षा के लिए क्या उपाय लगा करके रखे थे आप लोग? हाँ, उसको हम लोग देखे हैं। बैंक वालों को बताना है कि हमारा जो वॉचमैन होता है वो सिर्फ दिन में रहता है, रात में कोई वॉचमैन रहता नहीं है। तो इस पर हम एक बार बैंक वालों पर भी हम लिखेंगे कि भाई आप लोग अगर एटीएम रात में, ये एटीएम पद्मा थाना अंतर्गत कौन रोमी चौक के पास। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।